फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, नॉट माय चैनल एक्चुअली। बहुत बड़ी एक्चुअली कंप्लेंट मुझसे करी गई है कि हम लोग फ्रेम में होते हैं और हमारा इंट्रोडक्शन नहीं होता। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड ही इज विक्रांत एंड कबीर, ठीक है? ओके, आज है सैटरडे तो वीकेंड है, वीकेंड शॉपिंग होने वाली है। ये शैतान स्कूल जाने वाला है तो थोड़ी सी वो भी शॉपिंग करनी है। तो आज का जो एजेंडा है वो है शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। हम लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं सेंट्रल, क्योंकि वहाँ पे ही सारे ब्रांड्स हैं, सारा H&M C&A भी है वहाँ पे। तो हाँ, तो सही है, वहाँ पे बहुत सारे शोरूम एक ही साथ मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ, नीचे आने वाली है बस। तो चलिए ज्यादा बातचीत को बढ़ाते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर मिलते हैं नीचे, चलो। कहाँ जा रहे हैं? हम शॉपिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए, मतलब हम लोग बस से उतर गए हैं, पहुंचे अभी नहीं है क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। जहाँ पे हमें जाना है वो जहाँ हम उतरे वहाँ से थोड़ा दूर है। कि हम लोग पहुंच गए हैं सर्वना भवन के आसपास, राइट? है ना? हाँ, हम लोग जो मैप से तो और जो स्टेशन हमें बताया उस हिसाब से तो हम लोग सर्वना भवन के आसपास पहुंच गए हैं। और हमें जाना था सेंट्रल, कुछ तो गड़बड़ हुई है हमसे भैया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। बट यहाँ पे भी जो दिखा रहे हैं वहाँ पे भी सारे वही ब्रांड्स दिखा रहे हैं जो सेंट्रल पे हैं। तो अभी देखते हैं, हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में, बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड्स दिख रहे हैं मुझे। एक्चुअली मैंने सोचा था प्राइमार्क सेंट्रल वाला डाला है मैप में, एक्चुअली ट्रून स्टेशन के पास में है, लेकिन यहाँ पे सारे ब्रांड्स ऑलरेडी हैं। तो आई थिंक यहीं पे शॉपिंग करते हैं, थोड़ा देखते हैं, अगर कोई चीज ऐसी होगी नहीं मिल रही है तो हम फिर सेंट्रल चल देंगे। हाँ, तो अभी के लिए तो हम लोग यहीं पे और यहीं पे एक्सप्लोर करते हैं, सामने H&M है। चले, चलो चलो। ये प्रिंट ऑलरेडी मेरे पास है, लेकिन लग रही है आप इसको जैकेट टाइप भी पहन सकते हो ना। विंटर कलेक्शन आ गया यहाँ पे, बट यहाँ पे ना ज़्यादातर चीज़ें क्रॉप हैं यार, और मैं क्रॉप पहनती नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा बैगी है या बहुत ज़्यादा ही क्रॉप हैं। क्या बोला तूने? अभी तक तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। विक्रांत गए हैं कबीर को वॉशरूम लेकर, एज यूजुअल बाहर निकलो और बच्चों को वॉशरूम जाना होता है। विक्रांत आ गए हैं, चलो देखते हैं आगे। तो नीचे था ये पूरा लेडीज सेक्शन, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। ऊपर भी लेडीज है शायद। हाँ, ये तो सेम ही जीन्स लग रही है यार, ये वाली और जो विक्रांत ने पहनी है। तो एक और फ्लोर है जिसमें लड़कियों का भरमार है, भरमार। ये तो नाइस ना। क्या खेल रहे हैं हम? रॉक पेपर सीजर्स। टाई हो गया। तो गाइस, अभी हम आए हैं इनके सेकंड फ्लोर पर, आएगा ना H&M के। तो जहाँ पे है बच्चों की पूरी पूरी वैरायटी, पूरा फ्लोर बच्चों का ही है। तो देखते हैं अब यहाँ पे हम कबीर के लिए क्या क्या ले सकते हैं। और ये पिंक सेक्शन हो गया, मतलब गर्ल्स का। ये गर्ल्स सेक्शन है पिंक पिंक पिंक, ये ब्लू सेक्शन है, ये बॉयज का है। तो देखते हैं कबीर के लिए क्या क्या ले सकते हैं, यहाँ से हमें क्या पसंद आ रहा है। मैंने अपने लिए अभी तक बस एक ही चीज़ ली है, बहुत ज़्यादा मुझे कुछ अभी समझ नहीं आया, मैंने बताया ना क्रॉप की वजह से। तो चलो देखते हैं आगे। जैसे मैंने बताया ना, समर्स बिल्कुल जाने वाली हैं, तो इसलिए हमें कबीर को थोड़ा सा एक जैकेट पहनानी पड़ी है। लेकिन इस पे ना जोगर में ये है कि इसके फिट आएगी नहीं और ये बांधना पड़ेगा बाद में। ओहो, ये भाई साहब, इसकी कमर इतनी कमर ही नहीं है यार लड़के की, तो दुखी हो गए हम तो इसके कपड़े देख देख के। इसका क्या करना है आपने? वेट, माँ बाप देखते हैं बच्चे की चीजें, ये देखते हैं अपनी चीजें। ये शर्ट कितनी प्यारी है, अभी ना बड़े हो गए। और ये यार, मतलब मुझे ना कलर कॉम्बिनेशन ही बहुत सुंदर लग रहा है, ये वाला देखो कलर कॉम्बिनेशन। ये देखो कितनी क्यूट जैकेट है, और ये देखो कितने क्यूट हो, छोटे छोटे बच्चों के। अभी ना बड़े हो गए बेटा। ओह, ये देखना कितनी क्यूट है यार ये। जब कबीर हुआ था ना, मुझे रोम्पर्स चाहिए होते थे, और वहाँ इंडिया में उस समय पे उतने रोम्पर्स अवेलेबल नहीं थे। और एक तो कबीर समर्स में हुआ था, तो उस चक्कर में भी ना मुझे रोम्पर्स नहीं मिले थे। बट थैंक्स टू माई फैमिली, कहीं ना कहीं से सबने अरेंज करके रोम्पर्स भेजे थे। ये देखना
ये लिटरली दिल आ गया मेरा इन पे। कितने क्यूट हैं यार ये। ये वाली जैकेट देखो ना, ये वाली जैकेट एक बार, सच्ची स्मार्ट लग रही है यार, मिस्टर इंडिया टाइप। अभी आपको पता 5.5 हो ठीक है, और आपको 4 ईयर के कपड़े आ रहे हैं वो भी ढीले। ये अपना नहीं है भाई, देख लो भाई साहब। तो अभी हम लोग आ गए हैं बॉय सेक्शन है सारा। तो विक्रांत की बड़ी बड़ी बड़ी, तो विक्रांत के लिए देखते हैं कुछ अगर हमें मिलता है तो बढ़िया सा। लेट्स गो, यस भागो। H&M से प्यार हो रहा है पता है क्यों? बताओ यार, कैसे नहीं पता आपको, बताओ पहले मुझे। सोच सकते हो मैं मीडियम थी और मीडियम से मुझे स्मॉल साइज आया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, स्मॉल हुई नहीं हूँ, बट स्मॉल आ गया है। क्या कर सकते हैं अब, पर कुछ है। ये वाला देखो आप पहनोगे तो फैशन भी तो करना है। मुझे फैशन नहीं करना है। नहीं नहीं करना है, हमें करना है। ऐसा फैशन करना है सर्दी से बचाए। अब आ गए हम प्राइमार्क। H&M से कर ली शॉपिंग, ये थोड़ी बहुत जो की है। क्या कर रहे हो? मैं टायर्ड। टायर्ड हो गए हो? एनर्जी डाउन हो रहा है। एनर्जी डाउन हो रहा है। ये देखो अभी गिटार गिटार पकड़ लो, टिंग डिंग 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 डिंग, और कबीर 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 को राजा रानी। हाँ मुझे वो लगा आमिर खान वाला पूजा भट्ट के साथ जो है, जिसमें तरबूज खा रहा होता है। बैग ब्लिंकी ब्लिंकी से बहुत ज्यादा ही वैरायटी है ना यार। ये किसी को बड़ा बैग ऑफिस लेके जाना हो लैपटॉप वगैरह के लिए तो भी अच्छा है। क्यूटी क्यूटी से तो काफी सारी चीजें हैं यार, काफी सारी चीजें। चलिए प्राइम यार, ये प्राइम मार्क तो बहुत ही बड़ा है। तो देखो जैसे बच्चों के सेक्शन में घुसे वैसे ही भाई साहब ने, ये देखो क्या नाम है इसका, गुफी है। चलो लेट्स गो। बट ये स्कूल बैग नहीं लग रहे ना। ये बहुत बड़े हैं, है ना? हाँ। तो अभी जैसे विक्रांत ने बताया कि हम लोग प्राइम मार्क में, और यहाँ पे ना बहुत ही सुंदर सुंदर डांगरी के ऑप्शंस हैं। बट अभी जो है भाई सर्दी आ रही है तो मैं डांगरी लेने की बिल्कुल भी इच्छा में नहीं हूँ। और देखते हैं आगे जैकेट्स डेनिम वगैरह भी, मतलब काफ़ी कुछ आया हुआ है। डेनिम का कलेक्शन बहुत अच्छा है यहाँ पे। कबीर का अब हो गया है तो मैं थक गया हूँ, अब चलो। बस बच्चे के साथ ना यही प्रॉब्लम है क्या, मुझे ना ये वाली जैकेट बहुत अच्छी लगी। वैसे मैंने H&M में देखी थी तो मैं यहाँ से नहीं, मैं H&M से लूँगी। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये जैकेट भाई। गाइस यहाँ थोड़ी थोड़ी देर में स्टॉपेज आ रहा है, तो अभी ये हैरी पॉटर कलेक्शन पूरा यहाँ पे इसको दिख गया। तो आजकल हमारा हैरी पॉटर सीरीज भी चल रहा है, इसको वॉन्ड चाहिए। इसको पूरी हैरी पॉटर सीरीज आजकल हम लोग दिखा रहे हैं। तो कहता मुझे वॉन्ड चाहिए। आपने लिया डंबलडोर वाला? ओह हो, सो पावरफुल वन, वाओ। हैप्पी? बेटा वो ये सच्ची मुझे थोड़ी ना मैजिक कराएगा, ये तो सिर्फ एक टॉय है। ठीक है, ऐसी बॉन्ड नहीं होती तो मैजिक। आप अपना कलेक्शन कलेक्शन करो, अपना पूरा लो। सो गाइस यहाँ पे हो चुकी है काफी सारी शॉपिंग, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। वेल हम लोग पहली बार प्राइमार्क के होम में आए हैं, मतलब यहाँ पे प्राइमार्क होम भी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मुझे मतलब अच्छी लगी। जब मैं अपना थोड़ा सा लिविंग एरिया को डेकोरेट करना होगा तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, तो इट्स नाइस। अभी फिर कुछ और मिल गया? ओह बेटा, अब सारा हैरी पॉटर का कोई कलेक्शन चाहिए आपको? अच्छा सारा हैरी पॉटर है, चलो। यहाँ पे करा रहे हैं विक्रांत बिलिंग, अब हम जाएंगे कुछ खाने पीने। सो इसने टेक अवे लेने से मना कर दिया, कहता यहीं बैठ के खाऊंगा। कैसा लग रहा है कभी? अच्छा लग रहा है। ओके ओके ओके, 24.90। तो अभी मैं हूँ मैक में और मुझे ये फिक्सर लेना है, तो मैं वो ले रही हूँ। थैंक यू।
हो गई है मैक से भी शॉपिंग, अब चलते हैं बाहर, विक्रांत वेट कर रहे हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। मार्केट अब हो गई है बंद, वो देखिए ब्रिस्टल भी हो गया है बंद, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद हो गया है। तो फुल हो गई एनर्जी, हैप्पी, चलो बस अभी काफी सारी शॉपिंग हो गई है, जैसे आप मतलब देख सकते हो मैं क्या ही दिखाऊं। क्योंकि कबीर ने तो फ्राइज़ खाने थे तो उसको फ्राइज़ खिला दिए हैं। अभी हम सरवना भवन जाएंगे, यहाँ से थोड़ा पैदल है रास्ता, 1 किलोमीटर है शायद, और थोड़ी भीड़ भी है। मुझे ये भी डर है कि सरवना भवन में ऐसा ना हो कि वेटिंग बहुत ज़्यादा हो, तो होपफुली जल्दी मिल जाए क्योंकि भूख लग रही है अब बहुत ज़्यादा। यार इस स्ट्रीट पे ना इतनी चहल पहल रहती है और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना इस वाली स्ट्रीट पे, जब भी मैं आती हूँ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे कैसा रहा शॉपिंग? शॉपिंग फटका लग गया बड़ा पता है, मतलब अच्छी अच्छी खासी शॉपिंग हो रही है, काफ़ी सारी चीज़ें ले ली गई हैं। और जैसे मैंने बताया ना अब समर जा रहे हैं यहाँ पे, एंड विंटर इज कमिंग, बताना किस करा लो गई है, विंटर इज कमिंग, विंटर इज कमिंग। आगे और जाते हैं अपनी एक ही जगह जो है सरवना भवन, जहाँ का पता है खाना बढ़िया ही है और अच्छा ही मिलेगा। अभी जाते हैं वहाँ और खाते हैं, पेट पूजा करते हैं। पता है मेरा ना, पता है अभी जो हमने शॉपिंग करी है ना, आप सुन रहे हो? हाँ जी हाँ जी। जो अभी शॉपिंग करी है ना उसके बाद पता है मेरा मन क्या है कि मैं वहाँ वहाँ वाले में शॉपिंग करूँ। आपको दिख रहा है वहाँ क्या है? बिल्कुल सामने देख लो, पीछे शुरू दिखा दूँ सबको। तो गाइस एक मिनट रुको, मैं दिखा दिया उस तरफ। गाइस पराडा है, ठीक है, ये जो कह रही है दूसरी सीट पे पराडा है, ये वाला ब्रांड भाई मुझे पता नहीं है, मैं शायद इतना जानता नहीं हूँ। और आगे बैलेंसियागा है, ठीक है। तो ये पूरी जो रोड है, जो दूसरी साइड वाला पूरी रोड है ना और लाइन है ना, उसमें सारे बड़े बड़े ब्रांड हैं, इसलिए मैडम कह रही हूँ। यहाँ लुईस वुइटन वगैरह सारे हैं, वहाँ से नहीं नहीं वहाँ से भी करेंगे, आएगा टाइम, वो भी आएगा, वो भी टाइम आएगा भाई, अपना टाइम आएगा। अच्छा वहाँ से भी करेंगे। ये देखो एप्पल का कितना बड़ा शोरूम है, बहुत बड़ा शोरूम है ये, शायद ब्रसल्स में, आई डोंट नो, मतलब मुझे जो लगता है ब्रसल्स का ये सबसे बड़ा शोरूम है एप्पल का। यार अगर मैं अभी वहाँ पे जाऊँगी देखने के लिए तो ऐसा तो नहीं मेरी किडनी लंग्स वगैरह रख लेंगे कि बेटा वो दे दे पहले। iPhone 14 आने वाला है जो सुना है मैंने, तो देखो कितना महंगा आ रहा है। और मैंने ये भी सुना बहुत महंगा आएगा, पता लगेगा जब लॉन्च होगा। हाँ पता लग जाएगा जब मैं लूंगी, जब मुझे दिलाया जाएगा 14। इनके ज्यादा ही हो गए हैं और कुछ नहीं देखते हैं गाइस, अभी कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। मेरा बर्थडे है, सब होम आया है दिसंबर में, मेरा बर्थडे आता है बर्थडे, दिसंबर में बर्थडे आता है तो जरूर लेके दिया जाएगा, बट कौन से वाले दिसंबर में वो अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा ठीक है समझ गया हो सकता है अभी 4 साल बाद की बात करें, भी आ रही है हमारी, पता है सब कुछ दिसंबर में आएगा, अभी अभी से जोड़ने पड़ेंगे पैसे इतनी शॉपिंग के बाद तो पक्का जोड़ने ही पड़ेंगे। चलो गाइस अभी पहुंचने वाले हैं, हम पहुंच के फिर देखते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड किया जा रहा है कि क्या खाना है। कबीर आपने तो फ्राइज खाए हुए हैं ना, तो आप तो खाओगे नहीं कुछ मैं तो व्हाइट पिज्जा खाऊंगा। व्हाइट पिज्जा खाओगे, इडली को व्हाइट पिज्जा बोलता है। क्या ऑर्डर किया? मेरा है रवा मसाला डोसा एज यूजुअल और स्प्रिंग रोल, यही दो चीजें मैं यहाँ पे आके खाती हूँ, एंड मैंगो। और मैंने ऑर्डर किया है चना भटूरा, एम्स्टरडम में बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा चना भटूरा था, सीरियसली एम्स्टरडम में बहुत ही अच्छा था। अब यहाँ का देखते हैं कैसा है। आप मुंबई नहीं आ सकते, गोटू रेस्टोरेंट हो गया हमारा ये सरवना भवन, मतलब हाँ मतलब यहाँ पे आके ना एक्चुअली इंडियन रेस्टोरेंट वाली एक तो फीलिंग आती है, बड़ी इंडियन और टेस्ट पूरा इंडियन आता है, बाकी रेस्टोरेंट पे ना इंडियन टेस्ट बहुत कम मिलता है, बहुत कम। और बैठने की जगह ऐसी, मतलब जिसमें अब यहाँ ऐसी फीलिंग आ रही है ऐसे इंडिया में ही बैठे हैं। यार हम ना यहाँ पे जल्दी ना अब कोई इंडियन रेस्टोरेंट भी ट्राई करेंगे है ना आगे। अच्छा ये क्या है, मतलब नॉट डोसा सरवना भवन से अलग। हाँ ऐसे बोलो कि और कोई करेंगे, ऐसे नहीं कि इंडियन रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे, करनी है और कोई तो करते हैं और भी ट्राई करेंगे। पहले अभी भूख लगी है बस, अब जल्दी से खाना आ जाए खा लें और फिर चलेंगे घर।
कबीर की इडली तो आ गई भाई, कबीर का खाना सबसे पहले आ गया। कबीर, आर यू हैप्पी? ये खा रहा है इडली अपनी, और स्प्रिंग रोल भी आ गए। मुझे लग रहा मेरे भटूरे सबसे एंड में आएंगे। आपका एमस्टरडम में भी ऐसे ही हुआ था, भटूरे सबसे एंड में आए थे। लेट्स सी इस बार कैसे हैं। मस्त है भाई, मस्त है। तो हमारे पास आ गया है पौड़ा सा भटूरा। वन है लेकिन ये एक ही दो के बराबर है। तो हमारा तो आ गया भाई चना भटूरा, मतलब इसको मैं रह गई पीछे। डोसा सबसे एंड में, जो लग रहा था सबसे पहले आएगा। तो कैसा रहा आपका? चने थोड़े अलग टाइप के हैं, मतलब पंजाबी चने जैसे नहीं है, लेकिन बड़े अच्छे लग रहे हैं यार ये। ऐसा लग रहा है जैसे भटूरा भी मुझे पूरी वाली फीलिंग दे रहा है। बहुत सॉफ्ट है ना। हाँ, पूरी छोले वाली फीलिंग है, मतलब मस्त मजा आ रहा है। तो चलो भाई, अब हम लोग जरा पेट पूजा करी जाए और फिर मिलेंगे आपसे। मेट्रो जा रही हूँ, सॉरी ट्रैम जा रही है। तो खाना पीना हो गया मस्त, एकदम ओवर हो गया है। काफ़ी कुछ खा लिया, भूख लगी थी तो अच्छे से खा लिया, और बहुत ही स्वाद भी लगा। तो बस अब हम चले घर की तरफ। तो बस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मैं गुस्से में बोलती हूँ कि ऐसे नहीं, यहाँ सब्सक्राइब का बटन आने वाला है, उसको सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करा करो यार, देखते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, अच्छा लगता है, हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक भी करो, और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब भी। छोटू के लिए तो कर दो, सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बाय।